नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो ऐसी फिल्म्स की जो अपने सेम प्लॉट की वजह से काफी चर्चा में है और होनी भी चाहिए। प्रीमैच्योर बाल्डिंग एक ऐसे इशू पे आधारित है फिल्म जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना अपने, बाला और उजड़ा चमन। बाला का सिर्फ टीजर आउट हुआ था और रिलीज डेट आई थी 15 नवंबर, और उसी के बाद आया उजड़ा चमन का ट्रेलर और रिलीज डेट आई 8 नवंबर। मलिना कट चल रहा आजकल भैया, सर पे लगाने को बोल रहा है आदमी, हम नहीं करवाएंगे। 10 अक्टूबर को बाला का ट्रेलर आउट होते ही एक नया ट्विस्ट सामने आया। फिल्म 15 नवंबर को रिलीज ना होकर अब रिलीज होगी 7 नवंबर को। सोचने वाली बात तो ये है, चेंज दोनों फिल्म मेकर्स के बीच में क्या विवाद लाएगा? अरे लाएगा नहीं, ले आया है। लेकिन ये जानने से पहले जरा फिल्म के प्लॉट को जान लेते हैं। दोनों फिल्म्स के ट्रेलर से स्टोरी का अंदाजा आपको हो गया होगा। दोनों स्टोरीज एक यंग लड़की के प्रीमैच्योर बाल्डिंग से परेशान होने के ऊपर है, और हर लड़की की तरह उसे भी सुंदर लड़की चाहिए, लेकिन टकले होने की वजह से कोई लड़की नहीं मिलती और अपनी लाइफ के कॉम्प्लिकेशंस को डील करता है। बाला में नजर आएंगे आयुष्मान खुराना और उजड़ा चमन में दिखाई देंगे सनी सिंह। लेकिन फिल्म बाला का ट्रेलर आउट होते ही उजड़ा चमन के फिल्म मेकर्स का गुस्सा भी आउट होता हुआ दिख रहा है। दोनों मूवीज के फिल्म मेकर्स कॉपीराइट के इशू पर भिड़ने की ताकत पर है, क्योंकि उजड़ा चमन 2017 में आई कन्नड़ फिल्म ओंड मोटिया कदे की ऑफिशियल रिमेक बताई जा रही है। इस फिल्म का प्लॉट प्रीमैच्योर बाल्डनेस ही है। बाला का ट्रेलर आउट होते ही नई रिलीज डेट आई 7 नवंबर, और उसके नेक्स्ट ही आ रही है उजड़ा चमन। तो रिलीज डेट में ये चेंज उजड़ा चमन के मेकर्स को काफी गुस्से में ले आई है, और उनका कहना है कि स्टेटमेंट जारी करने की तैयारी है लीगल नोटिस की। और जब स्टेटमेंट पे बात करी तो बाला के मेकर्स ने जवाब दिया और बोला, ठीक है, कोर्ट में फैसला होना होगा तो हम कोर्ट भी लेकर जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। तो देखना ये है कि अभी कितनी बार रिलीज डेट और चेंज होगी और कौन सी मूवी बॉक्स ऑफिस पे छाएगी। आज के लिए इतना ही। आप भी अपने व्यूज हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। बने रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दी सिल्वर स्क्रीन।